आपका हाउस एडजॉइन हो गया था आज, तो मैं घर पे आया। घर पर जब आया तो एकाएक यहाँ पर मेरे टेलीफोन पर, मेरे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक कॉल आया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। तो उसने अनर्गल गालियाँ बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है कि राज्यसभा में इसलिए आया है क्या। और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था, और नरगल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था। अच्छा, उसके उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की, हमारे मित्र हैं उन्होंने भी कोशिश की, एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर, लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़, बोला ना अनूपगढ़ बोला उसने, उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ, और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौर को धमकी दी तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद अब फोन वो मतलब रिसीव ही नहीं कर रहा है, बार बार काट रहा है। लगभग 2 मिनट तो कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे, तो इसलिए समझ में नहीं आया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, और मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिससे मुझे कोई धमकी दे, और वो भी बिहार का व्यक्ति क्यों धमकी देगा मुझे, क्या लेना देना आप।